25 मई 2007 को अरुण चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल, ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को टेपल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया, ये क्यों रोका गया इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोहरा दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है, जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापिस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया।